हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो हम आज लेकर आए हैं प्रथम 10 संख्याओं के वर्गमूल क्या होता है, जो कि आपको सब दिन के लिए जरूरी पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे इसको निकालते हैं। तो √1 का मान कितना होता है? हम कहना चाहेंगे √1 का जो मान होता है वो 1 ही होगा। ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। √1 का मान 1 ही होता है, जो कि 10th क्लास में हमको ज़रूरी पड़ता है त्रिकोणमिति में। तो √2 का मान क्या होता है? √2 का मान होता है 1.414 यानी 1.414 √2 का मान होता है। ठीक है, इसके बाद √3 का मान क्या होता है? √3 का मान होता है 1.732 और √4 का जो मान होता है कितना होता है? √4 का मान होता है 2। तो सबको पता है √4 का वर्गमूल 2। इसके बाद है √5। तो √5 जो है ये होता है 2.236। 2.236 ये रहा आपका √6। तो √6 का मान कितना होता है? √6 का मान होता है 2.45। ये सब चीज़ आपको याद रखने की है। ठीक है, √6 का, √5 का कितना होता है? अब है √7 का। तो √7 का कितना होता है? 2.65 होता है √7 का, 2.65। इसके बाद है √8। तो √8 का होता है 2.83। इसके बाद है √9। √9 का होता है, तो सभी को पता है √9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 × 3, तो 2 के साथ 1 फ्री। इसके बाद है √10। √10 का जो होता है ये होता है 3.162। 3.162, ठीक है। तो ये आपको इंटर मैट्रिक तक आपको जो है काम पड़ता है, इसलिए आप इसको नोट भी कर ले और याद भी कर ले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ले।